राज्य के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल आज से विदर्भ दौरे पर है। आज सुबह नागपुर विमानतल पर उनका आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से विविध मुद्दों पर संवाद साधा, जिसके बाद वहां से वे सीधे चंद्रपुर की ओर रवाना हुए। राज्य के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल आज विदर्भ के दौरे पर है। नागपुर विमानतल पर आगमन हुआ। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद पत्रकारों से संवाद साधते हुए विधान परिषद चुनाव को लेकर बोले कि महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन रहेगा। साथ ही पाटिल ने अनिल देशमुख की कस्टडी पर भी प्रकाश डालते हुए बोले, बार बार कस्टडी बढ़ाकर उन्हें जानबूझकर बंदी बनाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के अपघात में उनका मृत्यु हुआ, ये बहुत दुर्भाग्य की घटना है। हमारी हेलीकॉप्टर की यंत्रणा जो सर्वोच्च लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऐसे तकनीकी मालूम नहीं किस वजह से अपघात हुआ, लेकिन कहा जाता है कि तकनीकी कारण से हुआ है, कोई कहता है बैड वेदर से हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके जड़ में जाने की ज़रूरत है, ढूंढने की आवश्यकता है कि किस वजह से ये अपघात हुआ। जयंत पाटिल विदर्भ के दौरे पर है। नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से संवाद साधने के बाद वे तुरंत चंद्रपुर के लिए रवाना हुए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिज देशमुख, BCN News, नागपुर।